हेलो राधिका, और क्या कर रही है? अरे बस कुछ नहीं, खाना बना रही हूँ। वो मेरी नंद आ रही है ना, तो उसके लिए स्पेशल कुछ बना रही हूँ। ओह गॉड, तेरी नंद आ रही है? ओह गॉड क्यों? थैंक गॉड वो आती है, तभी तो हम घूमने जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, मजे करते हैं। और तू बता क्या बात कर रही है राधिका, नंदे भी कभी अच्छी होती है पता है तुझे, शादी के पहले दिन से ही। जीती रहो जीती रहो। क्या कर रही हो बहुरानी, सामान जमा रही हो अपना? हाँ जी माँ जी। अच्छा अच्छा, चलो हम भी मदद करा देते हैं तुम्हारी, ठीक है? वाह बहुत बढ़िया, गहने दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने। एक काम करते हैं, सपना को भी बुला लेते हैं, वो भी तुम्हारा हाथ बटा देगी। सपना बिटिया आना, भाभी की अलमारी सेट करते हैं, सामान लगाते हैं। भाभी सामान लगा रहे हो? हाँ। भाभी ये तो आर्टिफिशियल होगा ना? ना सोने का है, मेरे पापा ने बनवाया है मेरठ से, वहां का सोना अच्छा होता है ना? कुकर की सीटी बज रही है, मैं अभी आई, जरा तुम देखो भाभी की मदद कराओ। हाँ मम्मी हाँ। भाभी एक बात बताऊं, अभी तो आप हनीमून पे जाओगे, घूमने जाओगे, यहाँ जाओगे, वहां जाओगे, डेट पे जाओगे, और ये सारा सोने का सामान अगर चोरी हो गया तो? ऐसे क्यों बोल रही हो, मैं तमीज से रखूंगी ना। नहीं भाभी आप तो घूमोगे फिरोगे ना। एक काम करो, सारा सोना मम्मी के लॉकर में रखवा दो, वो तो सारा दिन घर में ही रहती है, इसी की तो रखवाली करेगी। सही कह रही हो, चलो मैं दे आती हूँ। अरे आप ये सब समेटो, मैं जाती हूँ। अरे ये भी ले जाती हूँ ना। लो ये भी रख लो। दीदी जी मैं कैसी लग रही हूँ? दीदी इतनी बुरी लग रही हो? चेंज करके आती हूँ। दीदी आप ठीक हैं? क्या आप मेर से बात कर रहे थे? भाभी मैं तो फोन पे बात कर रही थी, कुछ शादी पे जाना था ना, उसके लिए ठीक है अब ये वाली। आप तैयार भी होगी इतनी जल्दी पार्टी में जाने के लिए? भाभी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या पहनूं? एक काम करो, अभी जो आप ड्रेस पहन के आए थे वो बहुत अच्छी थी। अच्छी थी ना, पूरे 15,000 की है, वही चीज कर लेती हूँ। बस अब तो मैं वही पहनूंगी भाभी। इतनी मेहनत कर रहे हो, मैं अभी आई। मेरी नई ड्रेस। मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह मेरी बिटिया तो बहुत प्यारी लग रही है, एकदम राजकुमारी लग रही है। हाँ माँ जी मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक है। अरे ये क्या, मेरे बिट्टू का गला बिल्कुल सूना है, रुको हम कुछ लेके आते हैं तुम्हारे लिए। ये लो तुम भी पहन लो कुछ, ये आर्टिफिशियल है, तुमसे सोना तो संभलेगा नहीं और हमारी नाक कटाओगी ऐसे खाली गला लेके, चलो पहनो। और ये लो बिटिया ये पतली सी सोने की चेन, तुम पहन लो, तुम तो जिम्मेवार हो ना, संभाल के रखोगी। ठीक है मम्मी, भाभी चलो ना, अब लेट हो रहा है, 10 घंटे लगा दिए। Thank you.
बच्ची क्या हो गया? किसकी इतनी मजाल मेरी बेटी को रुला दिया? क्या हुआ? वो गोल्ड की चैन थी ना, वो गिर गई। हाँ? वो गिर गई तो गिर गई, कुछ नहीं होता। मेरे पतली सी मरी चेन ही तो थी, निकम्मी मनहूस गिरी हुई चेन गिर गई। मम्मी वो चेन मेरी मम्मी ने दी थी, इतने प्यार से दी थी मुझे शादी पर। प्यार से दी थी मेरी मम्मी ने, अब मेरी बेटी नहीं रोएगी उसके पीछे। हाँ मेरी बच्ची को रुला दो तुम ये बोल के। चलो सॉरी बोलो, सॉरी बोल, सॉरी बोल, चलो सॉरी बोल, मैंने बोला ना सॉरी दीदी। हाँ बस बेटा बस, कोई बात कुछ नहीं, ठीक है सॉरी बोल दिया ना। हाँ ले चिप्स का। महारानी जी उठ गए हो? टाइम देखा घड़ी में, कितना लेट उठी हो तुम सो के। और एक बेचारी मेरी फूल सी बच्ची, तुम्हारे से उम्र में छोटी तुम्हारी ननद, सुबह सुबह उठ के तैयार होकर कॉलेज चलेगी, और वो भी भूखे पेट तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम तो सारा दिन घर में बैठी रहती हो, कुछ काम धाम करने को है नहीं, और पसरी रहती हो बिस्तरे पे। मम्मी जी डेली तो मैं सारा काम करती हूँ, वो रात में ना मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। ओहो, वरना तो मैं सारा काम करती हूँ। ताने मारने में तो तुम्हारा जवाब नहीं, छोटी छोटी चीज के ताने सुनाने में तो बहुत होशियार हो। मेरी फूल जैसी बच्ची इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, पता कितने मेहनत लगती है उसमें, बेचारी भूखे पेट जाना पड़ता है उसको तुम्हारी निकम्मेपन की वजह से। निकम्मी कहेगी, जाओ यहाँ से। ओ मैडम, कहाँ चली सवारी तैयार होके? वो मम्मी जी मैं ना मार्केट जा रही थी घर का सामान लेने। वहाँ मेरी बेटी पढ़ाई में लगी रहे, और ये महारानी सज के चल पड़ी है बाजार घूमने के लिए। अभी बताती हूँ उसको, सही करती हूँ अभी मैं। रुको जरा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी घूमने। नहीं मतलब मुझे भी कुछ काम है मार्केट में। ठीक है माँ जी, चलो चले। चिटकली तो बोलो कि दरवाजा फाड़ के जाओगी, बताओ। दीदी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। हाँ, भूखी है इसीलिए पिज्जा खा रही है। दीदी दीदी ओह नो दीदी, कौन सी इंजीनियरिंग चल रही है? लव की। तू घर से पढ़ाई करने निकली थी ना, तेरा ना मैं बहुत हाल करूंगी ना। ये याद रखी, मैंने सोचा था तू इंजीनियर बनेगी, नाम रोशन करेगी। अब ये
तेरी तो ये क्या चश्मे लगा के बैठे दिखा तुम ऐसी कैसी ये नमूना पसंद किया तूने छोड़ा तुझे बाल देख इसके तेरे बालों में बारबी ने हगा है क्या और ये टैटू तेरा तो मैं ऐसा झापड़ लगा के बनाऊंगी ना टैटू थट्टी पसली सुक्का छड़ा भूखड़ ये तुझे कुछ खिलाएगा पिलाएगा तेरे को पालेगा ये इसकी देख इसकी सासू माँ ये तो मेरी चेन है ना इधर आ जरा लड़की ये इसकी भाभी की चेन चोरी करके इसको दे दो ना दीदी यही वाली चेन है जो खो गई थी देखो देखो दीदी आराम से देखो आप अच्छे से देखो ये कुछ बोलता है तुझे गुंगा है क्या वो मम्मा बाबू टिकटॉकर है ना बस लिपसिंग करते हैं इसका टिकटॉक तो मैं निकालती हूँ चल घर चल चल मेरे से कटवा दी मेरी तुमने हाँ अच्छे घर की लड़कियां ऐसी हरकत नहीं करती बेटा आगे से ऐसे नहीं होना चाहिए मिट्टी डालो बात पे अब मिट्टी डालो सुन सॉरी बोलो चलो भाभी को सॉरी बोल दो वैसे ससुर जी को जब ये पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा ना सॉरी भाभी सॉरी भाभी इट्स ओके तू बुला दी मेरी बेटी बिटिया सुनो हेलो 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 श्रुति श्रुति अरे कहाँ खो गई नहीं वो डायन की बात कर रहे थे ना हम अरे नहीं नहीं नंद आ रही है नंद वो सुन राधिका अपनी नंद की ना एक फोटो लेके रख लियो सरा मैं भी तो देखूं कि अच्छी नंदे कैसी होती है अच्छा अच्छा चल तो अपना काम कर ले मैं भी खाना बना के तुझे कॉल करूंगी बाद में ठीक है चल बाय बाय नंद आपके घर की अच्छी है या है पेन हमें कमेंट करके जरूर बताना और हाँ अगर इस वीडियो से जरा सा भी रिलेट करे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय